पुलिस? हाँ शेरू, लगता है हमारा ऐश की जिंदगी गुजारने का ख्वाब इस बार भी जेल की दीवारों के साथ टकरा कर टूट जाएगा। हाँ शंकर, अगर हम दोनों पकड़े गए तो क्या मतलब? हम दोनों में से एक भाग जाए तो ये दौलत बच सकती है और बाद में हम दोनों से कमा सकती है, लेकिन भागे कौन? इसका फैसला हमेशा एक तरह सिक्के पे छोड़ देते हैं। ठीक है, उछालो सिक्का। बोलो सन। मूरत, तुम जीत गए। मैं बेईमानी नहीं करूंगा शंकर, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। इस दौलत में तुम्हारा बराबर का हिस्सा है, जेल से निकलते ही अपना हिस्सा ले लेना। ठीक है शेरू, लेकिन एक वादा करूं, मेरे वापस आने तक मेरी बीवी और मेरे बेटे की देखभाल के जिम्मेदार तुम रहोगे। मैं वादा करता हूं शंकर। ठीक है, वादा। उधर क्या देखता है? चलो चलो। Thank you.
पारो। अरे भाई किसे पुकार रहे हो? यहाँ कोई नहीं रहता, ये घर जो टिका है। कोई नहीं रहता, लेकिन ये घर शंकर का है ना? जी 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 जी, किस नालायक का नाम ले लिया सुबह सुबह, आज तो दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भगवान ऐसे निकम्मे को संसार में भेज ही नहीं तो अच्छा है। लेकिन हुआ क्या? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो, बरसों पहले जो घर छोड़कर गया तो आज तक नहीं लौटा, बीवी बच्चे की भी चिंता नहीं की बदमाश ने। कहाँ है उसके बीवी बच्चे? क्या पता कहाँ होंगे, यहाँ से तो बेचारी शहर जाने को कह रही थी। तुम ही बताओ, एक लाचार बेसहारा औरत फाकों से कब तक पेट भर सकती थी? पर क्या कहा? कुछ नहीं। कुछ कहने को है भी कहाँ, कमबख्त को अपने बेटे का भी ख्याल न रहा, बाप के न होने से बेटे की आदतें बिगड़ गई थी भैया, वो चोरियां करने लग गया। चोरियां? हाँ भाई, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, किसी से भी जाकर पूछ लो सारे गांव में। शेरू, शेरू, ये कौन है भैया? ये वो है जिसकी वजह से मैं इतना जलील हो रहा हूँ सुंदर चाचा। सुंदर चाचा, तुम मेरा नाम भी जानते हो? हाँ। तुम कौन हो भैया, जल्दी बताओ। मैं वही बदनसीब शंकर हूँ चाचा। शंकर? ओहो, लेकिन लेकिन ये क्या हो गया है तुम्हारे साथ? धोखा, जिसकी इतनी भयानक सजा मिली है मुझे, सब कुछ छिन गया मुझसे चाचा, मेरी पारो, रमेश और खुद शक्कर। लेकिन तुम थे कहाँ, अपने घर वालों से इतने अनजान क्यों बन गए, पलटकर खबर ही नहीं ली? काश मैं आपको अपनी मजबूरियों की वो जंजीरें दिखा सकता जिन्होंने मेरे पांव जकड़ रखे थे। आओ घर में तो आओ। नहीं चाचा, मुझे पारो को ढूंढना है, रमेश को ढूंढना है और किसी से हिसाब पूरा करना है। मैं पारो के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता शंकर, उस बेचारी को गरीबी का रोग लग गया था जिसका कोई इलाज नहीं, अलबत्ता रमेश जरूर कहीं न कहीं मिल जाएगा। आसान तरीका ये होगा कि तुम शहर के सारे पुलिस थानों में उसे ढूंढ लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रमेश, मेरा रमेश बेटा। सेठ जी को फोन कर देना। सिर्फ सेठ जी का ख्याल रखते हो? तनख्वाह मिलती है जानी, अगर मेरा इतना सा भी ख्याल रखू तो न जाने तुमको क्या क्या मिल जाए। सुनीता, हाय हाय, तुमको आता है प्यार पर गुस्सा मुझको गुस्से पे प्यार आता है।
अपना ये प्यार किसी और के लिए संभाल कर रखो। गुड नाइट। आज के बाद ये चाकू तुम्हें हमेशा अपने माँ के खून की याद दिलाता रहेगा। आज के बाद ये चाकू तुम्हें हमेशा अपने माँ के खून की याद दिलाता रहेगा। शेरो, शेरो, दरवाजा खोलो। कौन है बे? क्या इतनी जोर से धड़ धड़ कर रहा है? शेरु कहाँ है? अबे क्या नशे में? यहाँ कोई शेरु वेरु नहीं रहता। ये कैसे हो सकता है? ये घर जाके सोचना, फोकट में नींद खराब कर दी। लेकिन यहाँ तो शेरु रहता था। रहता होगा, 10 साल से मैं यहाँ रहता हूँ। तो फिर शेरू कहां रहता है? ₹50,000। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप धन्य हैं सेठ जी, आपके दिल में जो गरीबों के लिए इतनी दया है उसकी मिसाल दी नहीं जा सकती। धन्यवाद सेठ जी। आप सज्जन मुझे लज्जित ना करें, ये तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। यदि मेरे पास काला धन होता तो मैं अवश्य उसे अय्याशी में खर्च करता, परंतु आप लोग देख रहे हैं मैं तो ऊपर से नीचे तक सफेद ही सफेद हूँ। मारधार, नंगापन नहीं चलेगा। प्रोड्यूसर परेशान। शहर के मशहूर समाज सेवक सेठ गोपाल दास ने भारत रत्न आश्रम को 50,000 दान दे दिया। अरे वाह, सेठ गोपाल दास जिंदाबाद, सेठ गोपाल दास जिंदाबाद। दानी हो तो ऐसा, हातिम ताई को मात कर दिया, उसकी तिजोरी का मुंह गरीबों की। हाँ भाई हाँ, तुम भी बदलो। बहुत बड़ा धोखा। धीरे से लीजिए, दिल है मेरा शीशे जैसा, धीरे से लीजिए।
में बसा लूं, मैं सीने से लगा लूं, कोई तोहफा मुझको ऐसा दीजिए। दिल है मेरा शीशे जैसा, धीरे से लीजिए। दिल है मेरा शीशे जैसा, धीरे से लीजिए। टूटेगा ना ये वादा कीजिए, टूटेगा ना ये वादा कीजिए, टूटेगा ना ये वादा कीजिए। थैंक यू। हुजूर, ये सब तो आप लोगों की खिदमत के लिए ही था। हाँ शेख साहब, मेरा माल का पहुंच रहा है? चल चुका है, एक आध दिन में मिल जाएगा। गुड, वेरी गुड। मारू माल कब मिलेगा? ओ पटलाल जी, धीरज रखिए, आपका माल भी मिल जाएगा। गोपाल दास सेठ, मारा हीरा ना सुतिया। आपने सुना नहीं? हाँ? चल चुका है। अच्छा ठीक है, ओके, गुड नाइट। सुनीता, रात को 2 बजे तुम और रमेश मिस्टर एंड मिसेस दिलजानिया बन के एयरपोर्ट पहुंचोगे। अच्छा। काउंटर नंबर 10 पे तुम्हें जैकब मिलेगा। बाकी का प्रोग्राम तुम्हें मालूम है। ठीक है, मैं जाऊं। गुड नाइट। गुड नाइट। अबे ओ धरपकड़, कहां ऊंट की तरह गर्दन उठाए ऊपर चला जा रहा है? मुझे जरा सेठ जी से मिलना है। सेठ जी से मिलने का कोई टाइम भी होता है? यह हर समय सेठ जी तेरे लिए, तेरी सेवा के लिए बैठे रहते हैं। चल फुट, एक दो तीन हो जाए यहाँ से। लेकिन मेरा सेठ जी से मिलना है। सेठ जी समय जरूरी काम कर रहे हैं, और तेरा चांद सा मुखड़ा देखेंगे ना तो सारा काम चौपट हो जाएगा। चल तू जाता है यहाँ से, ये धक्के मार के निकाल दू। चल अब फुट। मिटो। आया सेठ जी। किसे धक्के मार के बाहर निकाला था? अरे क्या बताऊं सेठ जी, आपने धर्म खाता जो खोल रखा है ना, मेरी तो मुसीबत हो गई है। क्यों क्यों, तुझे क्या हुआ? रात दिन सुबह शाम टेम बे टेम कोई ना कोई आता ही रहता है। मिठो, जब किसी को जरूरत होती है तभी वो आता है। लेकिन जरूरत किसे नहीं होती सेठ जी, मैंने तो उसे भगा दिया। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए मिठू। किसी भी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ, मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। ना जाने चारा क्या उम्मीद लेके आया था। तुम एक काम करो, वो शायद ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसे ढूंढ के ये 10 रुपए का नोट उसे दे दो। अच्छा सेठ जी। ओ चमचे। अरे बोल करचे। वो भिखारी मैंने भगाया था ना अभी। हाँ। तुझको मालूम है मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। हाँ। ये ले 5 रुपए और जा उसको दे दे। हैं? जा। 5 रुपए? ओ खुरपे। हाँ। बोल ब्योड़े। ओ सॉरी सॉरी भावड़े। बात सुन। हाँ? एक भिखारी गेट की तरफ गया है। हाँ। मुझसे किसी का दुख देखा नहीं। हाँ। तू ऐसा कर। हाँ? उसको जाकर 2 रुपए दे दे। दे दूं? हाँ। आप बड़े दयालु हैं। अबे चमगादड़ इधर आ। बोल लुलू। देख अभी वो भिखारी बाहर गया है ना। हाँ, हाँ, वो गेट के बाहर खड़ा है लंगड़ा। हाँ। मगर कुश्ती लड़ने में एक नंबर है। अच्छा। हाँ? देख मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, तू एक काम कर, ये 1 रुपए का नोट ले और उसको दे दे। हाँ? हाँ? दे देना। हाँ, हाँ। ईमानदारी बड़ी चीज। हाँ। है। कुश्ती तो तूने खूब लड़ी है, लेकिन क्या करूं मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। ये ले 10 पैसे और पेट भर के खा लेना। क्या हुआ शंकर का? सेठ जी वो तो 15 दिन पहले ही रहा हो चुका। रिहा हो चुका? ये तो बहुत बुरा हुआ है, उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा। लेकिन उसको कोई और पता? शहर के गंदे शराब के अड्डे और घटिया जुए खाने, मुझे यकीन है कि वो शहर में जरूर आएगा। लेकिन उसे पहचानूंगा कैसे? उसकी दाहिनी कलाई पर 4 इक्के गुदे हुए हैं। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं प्यार। सेठ जी का हुक्म बताओ। पहले मेरी इल्तिजा सुन लो। मैं या सेठ जी का हुक्म जानने आया हूँ, तुम्हारी इल्तिजा सुनने नहीं। सेठ जी का हुक्म ये है कि रात के 2 बजे तक आप मेरे साथ रहेंगे और जो भी मैं कहूंगी वो चुपचाप करते जाएंगे, समझे? फिलहाल जरा ये खोल दीजिए। माफ कीजिएगा, मैं इस काम की तनख्वाह नहीं लेता हूं। इतना गुरूर अच्छा नहीं होता रमेश, तुम औरत की जिद को नहीं जानते।
जानने की जरूरत भी नहीं है। जानना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल जरूर जान लोगे। क्यों, अब तो मेरा कहना मान लोगे ना? ये तो क्या इसका बाप भी मानेगा। रमेश, आइंदा कभी शिकायत का मौका दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो सुनीता। उल्लू के हाथ भी नहीं टूटे, इतनी जोर से मारा है। ए, तुझे हमदर्दी करने को किसने कहा? हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुझे हमदर्दी की नहीं चाबुक की जरूरत है। चुड़ैल, थप्पड़ मार दूंगा। अभी चूड़ियाँ पहन रखी थी क्या? मुझे आँख दिखा रहा है, उसके सामने तो जमीन देख रहा था। छी, शर्म भी नहीं आती। अभी तो अपनी बकवास बंद करेगी या? नहीं करूंगी, मुझे बुरा लगता है। तू क्यों इसकी मार खाता है? क्यों पड़ा है तू यहाँ? यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? तू नहीं समझेगी। क्या नहीं समझूंगी चोटी के, बोल, समझा मुझे। वो क्या तुझसे ज्यादा ताकतवर है? देख, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला। गुस्सा आता है तो चार रोटियां ज्यादा खा लेना, ताकत आ जाएगी। बहुत कमजोर हो गया है तू। आगे सर। नहीं हटूंगी। अग्रु, 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 पी लो चाय गर्मा गर्म और बन जाओ मेरी तरह बेश्रम। बालक राम। सिर्फ राम, सेवा करना मेरा काम। गुरु, नमक का पानी लाओ, बदन का दर्द कम हो जाएगा। अबे काले, क्या बकता? अबे ठीक बकता हूँ गुलफाम, तुझे क्या मालूम? अबे करंट लग गया है क्या? अबे करंट नहीं, पूरा बिजली घर चला आ रहा है। राजा चलो फूटो। अरे बाप रे, फूटो 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 फूटो। अबे खचड़ू, चाय बनाए। रमेश बाबू। क्या है? मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। क्या तकलीफ है? मेरा बाप बहुत बीमार है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। राजा, जिस दिन तेरा बाप मर जाए उस दिन 2 दिन की छुट्टी ले लेना। रमेश बाबू। कह दिया ना, मुझे दुनिया के हर बाप से नफरत है, चाहे वो तेरा बाप हो या मेरा बाप। जाता कि नहीं? सुनो बेटा। अरे बुढ़े। लेकिन बेटा। फिर बेटा? बुढ़े, बाप का नाम मेरे लिए गाली से भी ज्यादा गंदा है। आइंदा फिर कभी लिया तो गला दबा दूंगा। बाबा, ये तो बहुत अच्छे हैं, मेरे हाथ पे भी ऐसे गुदवा दो ना। नहीं बेटे, ये अच्छे नहीं है। तो फिर आपने क्यों गुदवाए? जिद नहीं करते बेटे, मैंने तो गलती की है। हाथ पर जो एक बार गुद जाए वो मिटा नहीं करता। मैं तेरे लिए ये गलती नहीं होने दूंगा, मैं तुझे अपना जैसा नहीं बनने दूंगा। क्यों? मैं तेरे हाथ पर शंकर भगवान की मूर्ति गुदवाऊंगा बेटे, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तुमसे भी बड़ा? हाँ, इतना बड़ा कि लोग मुझे तेरे नाम से पहचानेंगे। रमेश। डैडी। हाँ बेटे। मेरे लिए क्या लाएंगे? बेटे, आपने जो कुछ कहा हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू डैडी। चलो बेटे। बाय बाय बाय। वाह दोस्त, अच्छी दोस्ती निभाई तूने। मुझसे तूने अपने बेटे को बेटा कहने का हक भी छीन लिया। लेकिन मेरा नाम भी शंकर है, मैं तुझसे अपनी बर्बादियों का बदला लेकर रहूंगा। बलमा बुद्धू, ए बलमा बुद्धू,
मत छोड़ना। बचाओ बचाओ बचाओ। संभालो इसे, तुम मेरी फिक्र मत करो, बच्चे को ले जाओ। देख लिया अपनी लापरवाही का अंजाम। बाबा, आपने पप्पू की जान बचाकर मुझ पर बहुत एहसान किया है। अगर इसको कुछ हो जाता तो मैं सेठ को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बेटी, शुक्रिया तो भगवान का अदा कर, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है ठीक है, इस बुड्ढे को सेठ जी से कुछ इनाम दिलवा देना। इनाम तो मुझे मिल चुका है बाबू जी। मैं समझी नहीं। बच्चे की जान जो बच गई। लेकिन बाबा, सेठ जी तो कल सुबह ही मिल सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं? इस आसमान के नीचे, धरती के ऊपर, हर जगह मेरा घर है बेटी। ओ, तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे घर ठहरिए, मैं पप्पू को छोड़ के अभी आती हूँ। चल पप्पू। आप इंसान नहीं, फरिश्ता हैं बाबा। सेठ जी, एक गुनाहगार को फरिश्ता कहकर आप अपनी शराफत का सबूत दे रहे हैं। सचमुच आप बहुत महान हैं। महान तो आप हैं बाबा, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। जिंदगी और मौत तो मालिक के हाथ में है सेठ जी, मैंने तो सिर्फ अपना धर्म निभाया है। समझ में नहीं आता कि मैं आपके इतने बड़े एहसान का बदला किस तरह चुकाऊं। अगर आप बुरा न माने तो। धन्यवाद सेठ जी, मुझे इस पैसे से बहुत नफरत है। नफरत क्यों? इसकी वजह से इंसान अपना ईमान बेच देता है। आप तो मुझसे ज्यादा समझदार हैं, सिर्फ चंद सिक्कों के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, दोस्त दोस्त से दगाबाजी करता है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। दुनिया में बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी होते हैं। इसका यकीन तो आपको एक नजर देखने के बाद ही हो गया। सेठ जी, ये बाबा है ना, दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं, कोई घर बार नहीं है। मेरे ख्याल से इन्हें यहाँ नौकरी पे रख लीजिए। ये अपाहिज आदमी क्या काम करेगा? अपाहिज? अपाहिज तो आधा शरीर है बाबू, आधे में बहुत जान है, बहुत काम कर सकता हूँ, करना भी है। बेशक बेशक, काम करने के लिए तो मेरे यहां बहुत से नौकर हैं। आपने पप्पू की जान बचाई है, आज से आप इसी की देखभाल कीजिएगा। तुम्हारा नाम क्या है? शत्रु। शत्रु? अजीब बात है, नाम के शत्रु, काम के दोस्त। यही होता है सेठ जी, कोई दोस्त बनकर दुश्मनी करता है और कोई दुश्मन होते हुए भी दोस्ती का हक निभाता है। मधु, तुम बाबा के लिए कमरा ठीक कर देना। बेटे, मैं बाहर जा रहा हूं, आज से तुम्हारी देखभाल बाबा किया करेंगे, ठीक? हां बेटा, आज से तुम्हारी देखभाल मैं करूंगा। सच? एकदम सच। अब तू जल्दी से मान ले मेरा कहना और अपने बापू से कह के शुरू कर दे मेरे संग रहना। लेकिन बापू तो कहता है तू बालक है, बालक के साथ क्या शादी करना? आई? अरे पुत्र, बालक तो मेरा नाम है, वैसे मैं थोड़ी बालक हूँ। पर मैं क्या करूँ, मेरा बापू तेरा नाम सुनते ही हंसने लगता है। अच्छा, उस गंजड़िए की ये मजाल, 75 रुपए तनख्वाह में से 50 रुपए का गांजा पिलाता हूँ मैं उसको, मेरा पैसा क्या हराम का आता है?
तूने मेरे बाप को गजड़िया बोला? हाँ हाँ बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा, एक बार नहीं हजार बार बोलूंगा, समझी? अरे शराफत से उसे कह दे कि मेरी शादी कर दे, वरना उसके मोटे पेट के अंदर से सारा गांजा बाहर निकाल लूंगा। देख रे जबान संभाल कर बात कर, नहीं तो नहीं तो क्या कर लेगी? अरे 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 मेरी जान है बाहर, मेरे दिल का करार। अरे अरे तेरा बाप मेरा मेरा ससुर भी तो है। बाहर में जा तेरे ससुर। जाए जरूर जाए ताकि मेरा काम बन जाए। हाय बाबू क्या हो बुड्ढे, घुस गया अंदर? जबरदस्ती तो नहीं घुसा? हाँ जी तुम्हारे तो हाथ पैर जोड़े गए थे। नहीं शायद किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई है। बहुत चालू हो, लेकिन मुझे परेशान नहीं करना, समझे? बेटा ये कमरा तुम्हारा है? अंधे हो, दिखाई नहीं देता, चल हड़िए से चल। अरे रे रे तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं है क्या? चुप चुड़ैल। अबे ओ चोटी के, मेरा नाम मधु है मधु। गलत। तुम दोनों आपस में इतना झगड़ते क्यों हो? तुमसे मतलब? तुम भी किस ढक्कन के मुंह लग रहे हो बाबा, ये भी कोई बात करने के काबिल आदमी है भला? ए चुड़ैल एक हाथ दूंगा। चल चल चोटी के, बहुत देखे हैं हाथ मारने वाले, हाथ तोड़ के तेरी जेब में रख दूंगी। हाँ कमाल कर दिया रमेश ने, पता नहीं कहाँ रह गया। रमेश के बगैर काम नहीं होगा। सेठ जी का हुक्म है। सेठ जी ने बिना वजह उस पर इतना भरोसा किया, वो जरूर किसी दिन धोखा देगा। राका तुम रमेश के बारे में कुछ सुनना क्यों नहीं चाहते? ये मेरा जाती मामला है। अरे हाय हाय चमेली, अब तो बस आ दे मेरे मन की हवेली। अरे ओ कालिया तेरा हाजमा कुछ खराब है क्या? अरे तुझे किसने कहा? मेरा हाजमा तो ऐसा है कि मैं बड़ी बड़ी चीजें खा के हजम कर जाऊँ। हाँ तो फिर तू मेरा नाम क्यों भूला? अरे तुझे देखकर तो मैं अपना आता पता भी भूल जाता हूँ मेरी जान। सच्ची मुच्ची? हाय हाय जानी, कभी तो अपने नखरे से टेम निकाल कर मेरे साथ प्यार से बात कर लिया कर। अबे ओ कालिया तू अपने मुंह पे चूना क्यों नहीं लगाता रे? जब भी मिलती है चूना ही लगाने की बात करती है, कुछ और बात कर ना। अबे फुट फुट जा अपना काम धंधा देख। अरे सुन सुन, अरे सुन, तुझे देखने से फुर्सत मिले तो कुछ और देखू ना। मेरे हाथ देखेगा? लैला कसम कितने मुलायम मुलायम और नाजुक तेरे हाथ हैं, मैं तो इन्हें अपनी मिल्कियत समझता हूँ। तो फिर दे दूँ? इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो फिर ले मधु। ले, एक ही में नाम याद आ गया, लगी क्या? हाँ मधु। उठाऊं? हाँ उठा। आ मधु। रमेश बाबू इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? आ गए नौसत फलाने। आखिर आखिर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि तुम्हें मेरी गालियां खाने का शौक है। मुझे तुम्हारी गालियां बहुत अच्छी लगती हैं रमेश बाबू। तो फिर ठीक है, एक दिन इसी काम के लिए मैं छुट्टी ले लूंगा, जी भरकर खा लेना, लेकिन खबरदार आइंदा जाते वक्त मुझे टोका तो अच्छा नहीं होगा। होश में आ जग्गू, होश में आ, वरना वरना मेरी बात मान लेगी? जाने तुझ पर तो बहुत दिनों से मेरी नजर थी। क्या तेरी मदद करने वाला मेरे सिवा और कोई नहीं जानी? बचाओ, बचाओ, छोड़ दे। तो इस काबिल कब से हो गया? ठीक है तुझे देख लूंगा। तुम ना आते तो न जाने क्या हो जाता रमेश। किस जबान से तुम्हारा शुक्रिया? सेठ जी को खबर कर देना,
मुझे माफ कर दीजिए शेख जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ बढ़ाते वक्त ख्याल नहीं आया था? मैं अंधा हो गया था शेख जी। तुम जैसे अंधे के लिए मेरे कानून में माफी नहीं, मौत है। नहीं मालूम बंसी, तुम्हारे भाई जग्गू की मौत का जिम्मेदार रमेश है। रमेश? हाँ, अगर वो सेठ जी से उसकी शिकायत ना करता तो मामला वहीं पे खत्म हो जाता। मैं रमेश से अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा। लेना ही चाहिए, वो अपने आप को 30 मार खां समझता है, सदा सांप की तरह सर उठा के चलता है। अब नहीं चलेगा, लेकिन राका तुम वक्त पर धोखा तो नहीं दोगे? राका जान दे सकता है, धोखा नहीं। इतना मामूली सा काम नहीं कर सके? सेठ जी ये मामूली नहीं, बहुत टेढ़ा काम है। हराम की खाना चाहते हो? सेठ जी आप समझने की कोशिश कीजिए, वो इलाका जग्गू के भाई बंसी का है। राका कहाँ है? राका पॉइंट नंबर 6 पर गया और उसने भी इनकार कर दिया। बंसी हर कीमत पर अपने भाई जग्गू की मौत का बदला हमसे लेगा। तो इस डर से हमें अपना कारोबार बंद कर देना चाहिए? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। और कैसा कहा? उस इलाके में कोई जाने को तैयार नहीं है? कौन? जो नमक हराम नहीं। रमेश? हाँ। रमेश, अपने साथियों में सबसे ज्यादा भरोसा मुझे तुम पर है। ये आपकी मेहरबानी है। तुम जैसा निडर और बहादुर नौजवान आज तक मेरी नजरों के सामने से नहीं गुजरा। जी कोई खास काम है? उससे भी ज्यादा, जिससे सब इनकार कर चुके हैं। मैं इनकार नहीं करूंगा। जानता हूं, क्योंकि वो लोग मौत से डरते हैं। और मौत मुझसे डरती है। काम क्या है? 5 लाख रुपए का माल बंसी के इलाके से पास करना है। हो जाएगा। तुम्हें बंसी की ताकत और दुश्मनी का अंदाजा है? आज उसका भी तजुर्बा हो जाएगा। गुड, बाकी बात तुम्हें सुनीता बताएगी। बहुत अच्छा। रमेश बाबू कहाँ जा रहे हो? आ गया मनुष्य, 100 बार समझा कि जाते हुए आदमी को टोका नहीं करते, काम बिगड़ जाता है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम्हारा हमदर्द। ए बुड्ढे, ये हमदर्दी किसी दिन तुझे बहुत महंगी पड़ेगी, समझा? तुम जाने के लिए तैयार हो गए हो? तुम्हें शक है? मुझे अफसोस है, तुम जानते क्यों नहीं हो वो इलाका तुम्हारे जाने के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं सेठ जी के हुक्म का पाबंद हूँ। तुम समझते क्यों नहीं, आज तक हर खतरनाक से खतरनाक काम तुम्ही ने अंजाम दिया। अगर एक बार इनकार कर दोगे तो तुम्हारे फर्ज पर आज नहीं आएगी। तुम सेठ जी के बजाय मुझसे क्यों हमदर्दी कर रही हो? अगर तुमसे हमदर्दी करना जुर्म है तो मुझे सजा दे लेना, लेकिन इस वक्त मेरा कहना मान लो। बेकार की बातों में वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा? वक्त का इतना ख्याल करते हो और जिंदगी का बिल्कुल नहीं। जिंदगी ख्याल वो लोग करते हैं जिन्हें जीने का शौक होता है। मुझे ना जीने की खुशी है ना मरने का गम। नहीं रमेश, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। भगवान के लिए मेरा कहना मान लो, बच जाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अगर मेरे रास्ते में रोड़ा अटकाया तो अच्छा नहीं होगा, मान लो। ठीक है, तुम पर जिंदगी इतनी ही बोझ बन गई है तो जाओ। ये लो रमेश। देखो वो जा रहा है, वापस भी इधर से ही आएगा। शायद इससे अच्छा मौका फिर कभी ना मिले। राका, आज इधर से रमेश नहीं जाएगा, उसकी खबर जाएगी। बाबू, रामो, थैंक यू।
लेकिन रमेश आपके लिए सबसे ज्यादा काम का आदमी है। सबसे ज्यादा काम की तो मेरे लिए सिर्फ तुम हो। अगर रमेश को कुछ हो गया तो कोई और रमेश आ जाएगा। इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी जिंदगी सिर्फ एक आदमी के भरोसे नहीं चलती। मेरा ख्याल है इतने काम के आदमी को जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेल, उसे खुद मरने का शौक है डार्लिंग। वो तो बेवकूफ है। नहीं, वो मजबूर है। क्या मतलब? रमेश को तुम नहीं जानती, मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? वो सिर्फ एक चलती फिरती लाश है जिसे मेरे स्विच दबाने का इंतजार रहता है। मैं समझी नहीं। ये एक राज है सुनीता। राज? हाँ, एक अजीब राज जिसे सिर्फ मैं जानता हूँ या रमेश। मुझे बताइए ना। जरूर बताऊंगा। तो बताइए। इस वक्त नहीं सुनीता। फिर कभी बताऊंगा, समझी? शायद रमेश आया होगा। सुनीता, मैं अंदर जाता हूं, तुम इसे जल्दी वापस कर देना। रमेश, तुम आ गए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। ये लो। ये क्या, कितना खून बह रहा है? आओ मैं तुम्हारे जख्मों मुझे अपने जख्मों का इलाज करना खुद आता है। बाबू, इतने खतरे में मत जाया करो, देखो तो कितना खून बह गया। बड्ढे, ज्यादा बक बक की तो ये खून तुम्हारे शरीर से बह जाएगा, समझे? खून तो एक ही है बाबू, मेरा हो या तुम्हारा। अबे बुड्ढे खूसट, देख लूं एक है या अलग। अबे ओ चोटी के, कभी तो तमीज से बात कर लिया कर, ये तेरे बाप के बराबर है। देख रही, मेरे सामने मेरे बाप का नाम लेके मेरा खून मत खुला। बाप के नाम से खून खोलता है इसका, तो फिर पैदा क्यों हुआ था रे? अगर सच में ये तेरे बाप होते तो जान से मार डालता। वाह, क्या लायक बेटा है। इसका जिम्मेदार मेरा वही कमीना बाप है जिसकी मेहरबानी से आज मैं ये जिंदगी गुजार रहा हूँ। बाबू, तुमने तस्वीर का एक ही रुख देखा है, दूसरा रुख भी तो देखने की कोशिश की होती। क्या कोशिश करते हो? तुम भी किसी के बाप हो गए, बताओ क्या अपनी औलाद के साथ ये सुलूक करोगे? कभी नहीं। मैं तो क्या, कोई भी बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा। लेकिन बाबू, इंसान के साथ उसकी अपनी मजबूरियां भी तो होती हैं। चुप! औलाद के लिए बाप चोरी करता है, डाका डालता है, जेल जाता है, जान दे देता है, लेकिन औलाद को बेसहारा छोड़कर भागता नहीं है। हो सकता है किसी ऐसी ही रुकावट ने तुम्हारे बाप को तुम तक पहुंचने ना दिया हो। मैं नहीं मानता। दुनिया की कोई रुकावट, कोई पाबंदी मोहब्बत का रास्ता नहीं रोक सकती। अगर उसे मोहब्बत होती तो वो जरूर आता। हो सकता है तुम्हारा ख्याल ठीक हो रमेश बाबू, लेकिन मुझे यकीन है जिस दिन ये हकीकत खुलेगी तुम अपने बाप को जरूर माफ कर दोगे। तू तो इस तरह तरफदारी कर रहा है जैसे तू ही मेरा बाप है। अबे बुड्ढे खुसट, जबरदस्ती की हमदर्दी दिखाकर बाप बनने की कोशिश मत करना, वरना। चल चल चोटी के, नहीं करेंगे। मत करना बाबा, मरने दो इस धक्कन को। बाहर से मार खा के आता है, घर में धौस जमाता है। ये खून तो हफ्ते में 14 बार देखने को मिलता है बाबा, कब तक चिंता करोगे? जाओ आराम करो। हेलो शेरू, रॉन्ग नंबर, सेठ गोपाल दास। अपनी असलियत कब तक छुपाओगे? बहुत धोखा दे लिया तुमने दुनिया वालों को। कौन तुम? नहीं पहचाना? ठीक भी है, शहर का एक इज्जतदार इंसान अपनी बेइज्जती को कैसे पहचान सकता है? साफ साफ क्यों नहीं बताते कि तुम हो कौन? मैं शंकर हूं शेरू, शंकर। शंकर, तुम्हारा पुराना दोस्त, अब पहचान लिया? अरे तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा शंकर, कहां हो तुम? मैं तो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूं। तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए जेल में एक आदमी भेजा था,
मगर पता चला कि तुम वक्त से पहले ही छूट गए। हाँ शेरू, क्योंकि तुम्हारा स्वागत मेरे मुकद्दर में नहीं था। अरे था कैसे नहीं दोस्त, तुम्हारा स्वागत तो ऐसा शानदार करूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। बस जल्दी मिलो मुझसे। कहाँ मिलूं? अरे भाई वही 20 साल पुराने अड्डे पर, तुम्हारी अमानत मेरे पास महफूज है, वहीं हिसाब हो जाएगा। ठीक रात को 11 बजे आओगे ना? जरूर आऊंगा शेरू, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। तू यहां कैसे? बोल बुड्ढे, तू यहां कैसे? मैं पूछता हूं तू यहां क्यों आया? बोल हराम खोर, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। बोलता क्यों नहीं है? मैं तेरी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। क्यों? मैं तेरे हाथ पर शंकर भगवान की मूर्ति गुदाऊंगा बेटे, एक दिन तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तुमसे ही बड़ा? हाँ, इतना बड़ा कि लोग मुझे तेरे नाम से पहचानेंगे। सच सच बता, तू कौन है? जो तुम सोच रहे हो वही सच है, मैं ही तुम्हारा बदनसीब बाप हूं। काश ये सुनने से पहले मैं मर गया हूं। नहीं, ऐसा मत कहो। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है, लेकिन पहले मेरी सुन लो, फिर जो मन में आए करना। तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना वो सच इसलिए है कि मेरी वजह से हुआ, और झूठ इसलिए कि मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। शेरू की धोखेबाजी ने मेरे सारे सपने बिखेर दिए। शेरू? कौन शेरू? जिसे तुम सेठ गोपाल दास के नाम से जानते हो उसका असली नाम शेरू है। शेरू जो कभी मेरा जान से प्यारा दोस्त था, लेकिन आज मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। रमेश, जिस दौलत ने शेरू को सेठ गोपाल दास बनाया है, उसके आधे मालिक तुम हो। मैं? हाँ रमेश, उसी दौलत की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था। शेरू ने मुझे वचन दिया था कि मेरे जेल से लौटने तक वो तुम दोनों की देखभाल करेगा, लेकिन शेरू ने मुझसे गद्दारी की है, मेरा भरोसा तोड़ा है। लेकिन उसने आपको पहचाना क्यों नहीं? ये मेरा हुलिया उससे बिछड़ने के बाद बना, एक्सीडेंट से। रमेश, अब मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मरने से पहले एक बार बेटा कहकर सीने से लगा लेने की इजाजत दे दो बेटे। रमेश, एक बार। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, उससे मैंने जाने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। तूने ठीक ही कहा है बेटे, तेरी जगह कोई भी होता तो यही कहता। अच्छा एक बात तो बता, तू इस धोखेबाज के चुंगल में फंसा कैसे? तेरी माँ कहाँ है? बाबा बाबा ये मत पूछो, बाबा ये मत पूछो, वरना तुम्हारा प्यार नफरत में बदल जाएगा। मेरी तरह तुम पे मुझे मुजरिम समझने लगोगे, मुजरिम समझने लगोगे। पगले, जिस प्यार के खातिर मैं आज तक अपने अरमानों का गला घोटता रहा, वो आज मिला है तो मैं उसे नफरत कैसे करूंगा? बता दे बेटे क्या हुआ। सुनो बाबा,
तुम्हारा इंतजार करते करते परेशानियों से तंग आकर मां मुझे शहर ले आई। दिन भर भटकते रहे और रात को किसी पाइप में पनाह ले ली। कोई आधी रात का वक्त होगा जब खून कैसा है? मैंने खून नहीं किया, गलती से हो गया। किसका खून किया तुमने? मेरी माँ का। क्या? तुमने अपनी माँ का खून किया है? वाह 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 वाह, बड़े काम के बच्चे हो। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें जो कुछ कहूंगा वो करना पड़ेगा। आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। चकुलाओ, जो अपनी मां का खून कर सकता है वो दुनिया में किसी का भी खून कर सकता है। आज के बाद ये चाकू तुम्हें हमेशा अपने मां के खून की याद दिलाता रहेगा। रमेश, बस उसी दिन से अपने आप को नफरत की सजा देता चला आ रहा हूं। मुझे ना जिंदगी से प्यार रहा ना अपने आप से। अगर खुदकुशी करना बुजदिली का काम ना होता तो कब का खुदकुशी कर चुका होता। रमेश। हाँ बाबा, मेरा जमीर, मेरी आत्मा मुझ जैसे पापी, मुजरिम और मां के कातिल को कभी माफ नहीं कर सकते। लेकिन बेटे, तू खामखा अपने आप को मुजरिम क्यों समझता है? तूने कोई जानबूझकर तो कत्ल किया नहीं, ये तो एक इत्तेफाक था बाबा। हाँ रमेश, इज्जत जान से भी ज्यादा कीमती चीज है। माँ की इज्जत बचाने के लिए अगर तुझे जानबूझकर भी कत्ल करना पड़ता तो तू मुजरिम नहीं कहलाता बेटे। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? जब जुर्म ही नहीं किया तो मुआफी किस बात की बेटे? नहीं बाबा, एक बार अपनी जुबान से कह दीजिए। अगर कह देने से तेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा तो मैंने तुझे माफ कर दिया। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, मैं उस कमीने शेरू से बदला ले सकूं। आपसे की हुई धोखेबाजी का बदला, मां की मौत का बदला, अपनी बर्बादी का बदला। रमेश आओ, तुम कहां रहे थे? बड़ी देर लगा दी तुमने, मैं तो परेशान हो गया था। परेशान तो मैं भी बहुत हो गया था सेठ जी। क्यों? हालात बदल गए थे। क्या मतलब? दुश्मन बहुत चालाक निकला। तो क्या काम नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, कलफ रमेश के लिए नहीं बना सेठ जी। ये लीजिए। शाबाश, आज तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ मेरे सर से उतार दिया। अगर भगवान ने चाहा तो आपके सर से
सारे बोझ उतार दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है रमेश। ये तुम्हारा दूसरा बड़ा कारनामा। कारनामा तो मुझे और भी अंजाम देना है सेठ जी। जरूर जरूर जरूर, तुम पैदा इसीलिए हुए। शायद आप ठीक कहते हैं। कौन कौन है? हटना मुझे कौन है? हाय हाय, अपने राम के हाथ भी नहीं पहचानती। हाय राम, तू इन हाथों से मेरे बापू का पेट फाड़ेगा? पूरा नहीं, थोड़ा सा थोड़ा सा, ताकि वो कुछ दिन हॉस्पिटल में आराम करे और उसके बाद फिर हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए और चाबी खो जाए। चाबी खो जाए वो कैसे? बताता हूँ, पहले तू आंखें बंद कर। चल बंद कर। हम तुम अरे तेरे फूटे कर्म। मेरी जान, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं तुझे सिनेमा दिखाऊं, बाबे दिखाऊं, फिर लिए अच्छी अच्छी साड़ी खरीदूं, लेकिन जो तेरा बाप गंजड़ी है ना, उस गंजड़ी की वजह से मेरा सारा प्रोग्राम फेल हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। अरे अगर मेरा बस चले ना तो ऐसे नालायक बापों का पैदा होने बंद करो। फिर से मार। अरे पाप नहीं, पाप बोल पाप। हम तुम एक कमरे में बंद हो और कमरे में और कमरे में बंद होना चाहता है? होना चाहता हूँ और चाबी भी गुम करना चाहता। अच्छा, वो भी हो जाएगा। कमरे में बंद जरूर करूंगा, लेकिन दोनों को नहीं, सिर्फ तुझे बंद करूंगा और घर फोड़ डालूंगा। मोहतलाल जी, आपके लिए लाया हूँ। गोली गोली गाजी बोल रहे। गजा बिना छोड़ दिया। छोड़ दिया? अरे शुक्रिया, धन्यवाद, आपने तो मेरी लाइफ बना दी। वैसे गुरु इधर आओ, फिर उधर जाता है। जरा आपने शुरू क्या किया? दारू बेवड़ा। तो फिर कौन सी ले आऊं? अरे फोकट का जो भी मिला ले आ, जल्दी जा। जाता हूँ। उधर नहीं, फोकट की आराम को। उधर जाना है कभी बापू? आखिर उसमें बुराई क्या है? पूछती है कि उसमें बुराई क्या है? अरे उसके बाप ने शादी नहीं किया, माँ ने भी शादी नहीं की थी, उसके खानदान में किसी ने शादी नहीं किया। फिर वो पैदा कैसे हो गया? वो तो मैं भी सोच रहा हूँ। सोचो मत। उधर नहीं रे, खड़ोस। मोहतलाल जी, इसका कलर क्या है? नारंगी। उसका कलर क्या है? नारंगी। ये नारंगी तुम्हारी और ये नारंगी मेरी। हाथ मत लगाना। क्यों क्यों क्यों? बेवड़े मारना। अभी भू भुस्की मारूंगा। भुस्की? चला भुस्की नहीं, थर्रे पे काम चलाओ गुरु। इधर बैठ बैठ क्या बैठ ना बैठ ना ये अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। कैसी है? बहुत अच्छी है, पहली बार की है, मजा आ गया। जब तक मैं नहीं पीता हूँ ना, तू बालक नजर आता है। अब क्या नजर आता हूँ? मेरे बाप, तू राम नजर आता है। राम? तब तो बन गया मेरा काम। क्या काम बना? बापू मेरी शादी कर दे जल्दी से। इससे रे? इससे शादी करना चाहते? पहले खानदान का नाम बता। बताता हूँ। तेरे बाप का नाम क्या है? मेरे बाप का नाम है चालक राम। चालक राम का बाप का नाम क्या है? कालक राम। कालक राम का बाप का नाम क्या है? पालक राम। भाजी बेचता है क्या? हाँ, सब्जी मंडी में हमारी दुकान थी। ये काम, ये बात बताएगा तू? बताऊंगा। तेरा बाप की शादी हुई थी? मेरे बाप की शादी हुई थी, ये तो मुझे मालूम नहीं। पूछ गया क्या? पूछ गया किससे? बाप से। जाता हूँ। वो भी भाजी बेचेगी क्या? हाँ बेचे। चलना खड़ोस। ए खाना बनाना आता है? शादी करना चाहती है? चल खाना बना। उठना जाना। Thank you.
गंगू के बच्चे, अबे कहाँ मर गए, कहाँ मर गए बे? अबे क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या मुसीबत आ गई है बालक राम? मैं बालक नहीं, सिर्फ राम हूँ राम। और मुसीबत मुझ पर नहीं, सेठ जी पर आई है। क्यों, क्या हुआ? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं साथ में थोड़ी था जो बताऊंगा। कोई खतरे की बात है? खतरा? सेठ जी को मामूली सी चोट लगी है, वो अस्पताल के अंदर आराम कर रहे हैं। साला बच गया। मारना किसने चाहा था? मैंने। पगले, अगर इतनी ही आसानी से उसे मारना होता तो मेरे आधे शरीर में अभी भी इतनी ताकत है, लेकिन उसे इस तरह मारना उसके लिए कोई सजा नहीं। फिर मैं उसका जीना हराम कर दूंगा, वो जिंदा रहते हुए भी जान को तरसेगा। मैं उसे हर तरह से बर्बाद कर दूंगा। बाबा हरमेश, मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल जंजीरों के बोझ उठाने में टूट गए। मैं नहीं चाहता कि वक्त अपने आप को दोहराए और तुझे भी मेरी तरह अपना नाम तक भूल जाने पर मजबूर होना पड़े। बेटा रमेश, जेल में इंसान को नाम से नहीं नंबरों से पहचाना जाता है। खबरदार आइंदा कभी ऐसी हरकत की। सेठ जी आओ। सुनीता आओ। काम का क्या हुआ? काम हो गया सेठ जी। गुड। और हाँ, आज शाम को दूसरा काम भी हो जाना चाहिए। जरूर हो जाएगा। कहाँ रह गए थे रमेश, बड़ी देर लगा दी? जी वो सेठ जी, इस वक्त 4 बजे हैं और हमें 6 बजे पहुंचना है। मैं रमेश को अपने साथ ले जाती हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। चलो रमेश। कबूतरी ये लीजिए सेठ जी। किसने भेजा है? सारा शहर आपकी इज्जत करता है सेठ जी, किस किस का नाम बताऊं? ठीक है, भगवान का शुक्र है तुम बच गए। शेरू, तुम्हारी जिंदगी मुझे तुमसे भी प्यारी है। उम्मीद है तोहफा पसंद आएगा। तुम्हें सबसे ज्यादा चाहने वाला तुम्हारा दोस्त। बाबा आप यहाँ? आपके ठीक होने की खुशी में प्रसाद चढ़ाने आए हैं। बाबा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, आप ठीक हो गए सेठ जी। तुम्हें मेरी जिंदगी से इतनी मोहब्बत? आपकी जिंदगी मेरे लिए कितनी जरूरी है ये मैं ही जानता हूँ सेठ जी। मुझे ऐसा ठिकाना और कहाँ मिलेगा? सेठ जी, ये आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको इतना ईमानदार नौकर मिला। पंडित जी, मैंने अपना नौकर नहीं समझता। सेठ जी, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। जाइए, दर्शन कर लीजिए। आइए। सेठ जी, भगवान ने आपको नई जिंदगी दी है, इसी खुशी में हम जश्न मनाना चाहते हैं। नहीं बाबा, ये खामखां के दिखावे मुझे अच्छे नहीं लगते। इसमें दिखावे क्या बात है सेठ जी, हम घर के लोग तो होंगे, ये हमारी ख्वाहिश है। क्या हमारा आप पर इतना भी अधिकार नहीं? अधिकार तो जरूर है। तो बस फिर दे दीजिए इजाजत। ठीक बाबा, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, मना लो जश्न। ए चुड़ैल, तू? ए चोटी के, मुझसे मजाक मत कर। हाँ, समस्या बड़ी गंभीर है। हाँ बोल, तू उस कबूतरी के साथ कहाँ गया था और क्यों गया था? अरे अरे,
एक साथ दो दो सवाल कर डाले? एक एक का जवाब दे। पहले का जवाब यह है, हम दोनों पॉइंट नंबर 6 पे गए थे। क्यों गए थे? काम से। गोदाम वाले काम से? हाँ। क्या? ओफो, देवी जी, गोदाम में नौकरी वाला काम करने गए थे और कुछ नहीं। लेकिन तेरे सारे काम उस कबूतरी के साथ ही क्यों होते हैं? ए चुड़ैल, सारे काम कहाँ, थोड़े से तो होते हैं। देख चोटी के, मैं बोल देती हूँ, हाथ पैर संभाल के काम करना उसके साथ। वो कबूतरी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, समझा? समझा, लेकिन तू भी कान खुल के सुन ले। सेठ जी के हुक्म से उसके साथ मैं काम करता हूँ, लेकिन तेरे साथ? और मेरे साथ? दिल के हुक्म से। चल चल चोटी। चल चल नहीं, चुपचाप बैठ कर मेरी एक जरूरी बात सुन। मुझे कोई बात बात नहीं सुन। नहीं सुनेगी? नहीं सुनेगी तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। क्या तुझे मेरी जिंदगी प्यारी नहीं है? क्या कहता है, तेरी जिंदगी तो मुझे अपने जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यारी है। तो फिर वादा कर, जो राज मैं तुझे बताऊंगा तू अपनी जान से ज्यादा उसकी हिफाजत करेगी। वादा। तो फिर सुन। मैंने कहा जी नहीं, पहले मैं नहीं, पहले मैं शुरू करूंगी। नहीं, मैं शुरू करूंगा। नहीं, मैं शुरू, मैं कहता पहले मैं शुरू करूंगा। ओहो, तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, पहले मैं का फैसला सेठ जी करेंगे। सेठ जी, लीजिए सिक्का उछालिए और इनकी किस्मत का फैसला कर दीजिए। आपका फैसला यकीनन सही होगा। बोलो मधु। मूरत। आ गई अब तो समझ में ये हकीकत प्यारे, एक सिक्के से बदल जाती है किस्मत प्यारे। हमें फरेब न दो यूं जनाब तेरे से, हमें फरेब न दो यूं जनाब तेरे से। तुम अपने आप हटा दो नकाब तेरे से, हाँ नकाब तेरे से। हाय फरेब देते हैं हम हाँ जनाब तेरे से, फरेब देते हैं हम हाँ जनाब चेहरे से। जो तुमसे हो तुमसे हो तो हटा दो नकाब चेहरे से, चेहरे से नकाब चेहरे से। है हमें फरेब न दो यूं जनाब चेहरे से। बस हुजूर रहने दो, हमारे मुंह न लगो बस हुजूर रहने दो, ये जी हुजूर रहने दो। गुरूर अच्छा नहीं है गुरूर। गुरूर चलने का हक है, गुरूर
न दो यूं जनाब चेहरे से फरेब देते हैं हम हाँ जनाब चेहरे से किसी की आंखों से छीनी है रोशनी तुमने छुपा के झूठ के पर्दे में असलियत अपनी किसी से खूब निभाई है दोस्ती तुमने ना दोस्ती न मुरव्वत को मानते हैं मगर ये सिक्के बहुत दिन संभल न पाएंगे नसीब में है जो लिखा बदल न पाएंगे फरेब न दो यूं जनाब चेहरे से फरेब देते हैं हम हाँ जनाब चेहरे से झूठे वादे का लेके सहारा घर उजाड़ा है तुमने हमारा बेअदब बन रहे हो ज्यादा साफ कह दो कि क्या है इरादा वक्त आने पे सब जान लोगे हमको क्या खुद को पहचान लोगे क्यों हवा में उड़े जा रहे हो सोच लो किससे टकरा रहे हो बेवजह इस कदर बदगुमानी में हो हमको मालूम है कितने पानी में हो छोड़ दो अपनी जिद बाद आ जाओ तुम वरना ऐसा न हो कल को पछताओ तुम पास अपने रखो अपनी हमदर्दियाँ महंगी पड़ जाएंगी तुमको भी दर्दियाँ तोड़ दो ये भरम जिंदगी की कसम जान से जाओगे कुछ न पाओगे कितने मक्कार हो तुम तो दिलदार हो काम दिलदारियां अब नहीं आएंगी हसरती दर बदर ठोकरे खाएंगी ठोकरों से बदल जाएगा रास्ता क्यों उलझते हो तुम तुमसे क्या वास्ता हमें फरेब न दो यूं जनाब चेहरे से फरेब देते हैं हम हाँ जनाब चेहरे से फरेब देते हैं हम हाँ जनाब चेहरे से भाई वाह 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 मजा आ गया ऐसे मौके भी तो जिंदगी में कभी कभी आते हैं सेठ जी जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामूली सा एक्सीडेंट था वो तो जी मैं जरूर आऊंगा शुक्रिया
शेरू तुम अपने साइज से पीछा छुड़ा सकते हो लेकिन मुझसे नहीं। कुछ दिन और ऐश कर लो, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। बताओ हराम घोरो, ये किसका काम है? एक एक हाथ पैर तोड़ दूंगा, जान से मार दूंगा। बोलते क्यों नहीं हो? जवाब क्यों नहीं दे? तो किसने लगाया ये? रमेश क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? सेठ जी समझ में नहीं आता कौन अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। बताइए सेठ जी, इसका मतलब क्या है? ये किसने लगाया और क्यों लगाया? इस बात का पता लगा के मुझे बताओ। जरूर बताऊंगा सेठ जी, छोड़ूंगा नहीं। ये कहां से आए समझ नहीं आता। कहीं शंकर सेठ जी, पानी। हाँ मधु जी, जरा रमेश को बुलाओ। हाँ जी रमेश। रमेश क्या बात है? वो भुला रहा है। तबीयत कैसी है? दवा की जरूरत है बेचारे को। अभी एक गोली देकर आता हूं। सेठ जी, रमेश उस खंजर पर तुम किसी गलत आदमी का खून तो नहीं लगा लाए? रमेश ने अपने दुश्मन को पहचानने में कभी गलती नहीं की। हुलिया बताओ उसका। हुलिया आपके बराबर उम्र होगी, सेहत तकरीबन आपके जैसे होगी, सिर्फ रंग सांवला था। और कुछ? हाँ सेठ जी, एक बहुत खास चीज थी। क्या? उसकी कलाई में चार यक्के गुदे हुए थे। चार यक्के? फिर तो वही था। बिल्कुल वही था सेठ जी, लेकिन लेकिन क्या? मरते समय उसने कहा था। क्या कहा था? आपने उसे धोखा दिया है। आपसे उसकी बर्बादी का बदला उसका बेटा लेगा। बेटा? हाँ सेठ जी, उसने यही कहा था। रमेश अपने गिरोह में कोई नया आदमी दाखिल हुआ है क्या? नया तो सिर्फ ये बुड्ढा है। ओ, नो नो, ये नहीं नहीं। सुनो, उस पे नजर रखो, अच्छी तरह नजर रखो, और देखो इस तरह का किसी पे भी शक हो तो बगैर सोचे समझे उसे खत्म कर दो। जरूर खत्म करूंगा सेठ जी, छोड़ूंगा नहीं। पॉइंट नंबर चार पर तुम्हें जैकब मिलेगा, उससे कहना ये माल 30 तक पहुंचा दे। ठीक है। 10 लाख का माल है और आजकल हालात कैसे तुम जानते हो। रमेश मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा है। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा सेठ जी। जाओ चलो सर। सोचा अगर इंसान किसी के प्यार का जवाब प्यार में नहीं दे सकता तो उसे नफरत से भी नहीं देना चाहिए।
और फिर तुम तो प्यारी के नहीं पूछने के काबिल हो। काश मुझे इस वक्त मौत आ जाए ताकि मैं भटकने के लिए अकेला रह जाऊं। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। बस करो रमेश, बस करो, इसके बाद मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। क्या हुआ? पता नहीं, आओ जरा देखे। फिर कौन बताएगा, गाड़ी तुम्हारे पास थी। लेकिन इससे पहले गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी। तुम दोनों कैसे बच गए? सुनीता को रास्ते में प्यास लग गई थी, इसलिए गाड़ी से उतरना पड़ा और अचानक ये धमाका। 10 लाख का नुकसान हो गया। सेठ जी, मुझे लगता है ये काम उसके बेटे का है और उसने कहा था। हेलो, क्यों धोखेबाज, क्या हाल है? तबीयत तो ठीक है ना? कौन हो तुम? तुम्हारी बर्बादी। ये सब हुआ कैसे? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आया सेठ जी, सारा माल लूट गया। वो चौकीदार मुफतलाल हरामखोर कहां मर गया था? वो तो रस्सी से बंधा हुआ था और बाकी सब आदमी बेहोश थे। कौन दुश्मनी कर रहा है समझ में नहीं आता। रमेश, कहीं कोई अपना आदमी तो नहीं? सेठ जी, मैं पता लगाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ। सीधी तरह से मेरी शादी कर दो, वरना 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 जो कुछ करना है नजदीक आके कर। नजदीक आके करूंगा। ये हाथ नीचे करना है। कर लिया। ये जो पैंट है इसको ऊपर कर ले। वो तो मैं रोज ही करता हूँ। और नाक साफ कर ले। क्या ना, अभी बैठ इधर, आगे बोल। क्या है मोहब्बतलाल जी? हाँ, मुझे अपना जवाई बना लो। जवाई बना लो? हाँ। फिर आईने में कभी शक्ल देखी है? देखी है, बहुत सुंदर है राजेश खन्ना की माफी। अच्छा, वो शीशा मेरे पास लाए, मैं उसे तोड़ डालूंगा। अरे तू तो क्या, तेरा बाप को भी मैं दामाद नहीं बनाऊंगा। अरे मेरे बाप को दामाद मत बनाओ, लेकिन मेरे को तो दामाद बनाओ। मेरे छोड़ दे, हाथ छोड़ दे। अरे छोड़ दे, दामाद बना रहा हूँ, छोड़ दे। अरे मार के क्या हो गया तेरे को? तुमने तो बालक से वादा किया है। क्या? कि हम दोनों की शादी कराओगे। अरे तू तो खुद ही बोल रही है ये बालक है, फिर इससे कैसे शादी कराओ? नहीं, 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 ये भूल गई थी, बालक नहीं राम। राम, राम से शादी कराओ। हराम है तू। अरे शादी नहीं कराऊंगा। मोहब्बतलाल जी, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपनी जात दिखाऊं। दिखाओ, दिखाऊं? अरे मैं कुत्ता बन जाऊंगा। तो मैं जानता हूँ, है ना, तो मैं हरामी पंच में उतर आऊं। उतर आओ। तो मैं जाकर सेठ से कह दूंगा। हाँ। कि मोहब्बतलाल बेवड़ा मार के पड़ा था, इसके बेहोशी में ताला खुल गया गोदाम का, मैं जा रहा हूँ। हाँ। नीचे बैठ जा। बैठ गया। और सेठ जी से मैं ये नहीं कहूंगा। क्या कहूंगा? कि तू काला कपड़ा पहन के आया, ताला तोड़ा, गोदाम के अंदर गया, सारे सामान निकाल के ले गए। मोहब्बतलाल जी, मोहब्बतलाल जी, छोड़ छोड़, भुस्की ला, भुस्की लाता हूँ, भुस्की लाता हूँ। हाँ, बेवड़ा नहीं चलेगा। नहीं, ले ले आता हूँ भुस्की। चल ना, लाता हूँ, लाता हूँ भुस्की। हेलो सुनीता, तुम्हें मालूम है कि गोदाम लूट गया, 5 लाख के हीरे चले गए। हाँ सुनीता, अब मुझे तुम्हारे सिवाय किसी पर भरोसा नहीं। आज का काम तुम्हें अकेले ही अंजाम देना होगा। पॉइंट नंबर 6 पर तुम्हें एक अरब आदमी मिलेगा जिसका नाम अब्दुल रशीद है। वो तुम्हें देखकर शर्कुल हबीबी बोलेगा और जवाब में तुम गरबुल गरीबी बोलना। रुपयों का बैग उसके हवाले करके माल का बैग उससे ले लेना।
बड़ी होशियारी की जरूरत है। इस बात की खबर तुम्हारे अलावा रमेश तक को ना हो। हाँ ओके। रमेश रमेश, बहुत काम की खबर लाई हूँ। क्या है? रात के 9 बजे पॉइंट नंबर 6 पे एक अरब आदमी मिलेगा। वो शर्कुल हबीबी कहेगा और जवाब में तुम गर्बुल गरीबी कहना। एक बैग उससे लेना और दूसरा बैग उसे देना। लेकिन तुझे ये सब कैसे मालूम हुआ? वो चोगत उस कबूतरी को बता रहा था। वो मारा शिकार। लेकिन जरा होशियारी से। बाबा तुम चिंता मत करो, मैं उस हराम खोर को अच्छी तरह से देख लूंगा। अब वो बेटा सुनीता से काम लेगा। बाबा हाथ यूं ना छुड़ाओ, बात यूं ना बढ़ाओ। हाथ यूं ना छुड़ाओ, बात यूं ना बढ़ाओ। मुझे अपना बना के मेरे होश उड़ा के सांसों में समा जाओ। हाथ यूं ना छुड़ाओ, बात यूं लगन कैसे जाने पूरी होगी लगन कैसे। जलता है सारा बदन कैसे इतना ना परसाओ। हाथ यूं ना छुड़ाओ, बात यूं मचलने दो। एक पल जरा मचलने दो, किस्मत मेरी बदलने दो। अब मेरे बन जाओ, हाथ यूं ना छुड़ाओ, बात यूं कसम। देखो तुमको तुम्हारी कसम, देखो अच्छा नहीं होता सितम। देखो कुछ दिल को समझाओ, हाथ यूं ना छुड़ाओ, बात यूं ना बढ़ाओ। मुझे अपना बना के मेरे होश उड़ा के सांसों में समा जाओ। हाथ यूं शर्कुल हबीबी गर्बुल गरीबी। ये क्या है? पत्थर। हाँ पत्थर। लेकिन सेठ जी जैसा आपने कहा था वैसे मैंने किया। फिर ये धोखा कैसे हुआ? हेलो। हाँ मैं सेठ गोपाल दास बोल रहा हूँ। मख्तार
परेबी, तुम हमारे साथ परेब किया, बैग में रुपए की जगह कागज भेजा। ये गलत है अब्दुल हकीम, धोखा आपने मुझे दिया है। आपके बैग में हीरे के बजाय पत्थर भरे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, हमने हीरा भेजा है, डायमंड। मैंने रुपया भेजा है। ये झूठ है। ये झूठ नहीं है, जरूर किसी ने हम दोनों के साथ धोखा किया है। कौन किया धोखा? यही तो मालूम करना है। जल्दी करो, हम अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है मिस्टर अब्दुल हकीम, आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए। देता है। थैंक यू मिस्टर। अब मैं अपना नुकसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे यकीन हो गया है कि गद्दार कोई अपनों में से ही है। तुम में से कौन है जो गद्दारी की सजा भूल चुका है? बोलो जवाब दो। सेठ जी, कुछ दिनों से राका बिल्कुल गायब है। मेरा ख्याल है राका बंसी के साथ मिल गया है। उस कमीने की ये हिम्मत! सेठ जी, हमारे नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ राका ही हो सकता है। रमेश, राका जहां भी मिले उसे खत्म कर दो। सुनीता। हाँ बंसी, सेठ की चमची एकदम चुड़ैल है, वो मक्का। और रमेश? उससे भी बदला लेना बाकी रह गया है, एक तीर से दो शिकार होंगे, रमेश और सुनीता। समझ नहीं आ रहा, शहर के सारे बड़े छोटे स्मगलर बंद हो चुके हैं, फिर भी स्मगलिंग हो रही है। सर, मेरा ख्याल यह है कि स्मगलिंग वो लोग कर रहे हैं जिनका नाम पता कोई नहीं जानता, जिन पर शक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज में उनकी हैसियत बहुत ऊंची है, वो शरीफ कहलाते हैं, इज्जतदार। मेरा भी यही ख्याल है। यस सर, हैसियत और इज्जत को भूलकर हर उस सफेद लिबास को फाड़ देना चाहिए जिसके नीचे ये लोग अपनी काली करतूतें छुपाकर देश से गद्दारी करते हैं, हुकूमत को धोखा देते हैं, जनता को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग मेरा साथ देंगे। हम अपना फर्ज अदा करने के लिए हर वक्त आपके साथ हैं सर। गुड, तो फिर आज से हर उस शरीफ आदमी की निगरानी शुरू कर दी जाए जिस पर आप लोगों को जरा भी शक है। यस सर, और इंस्पेक्टर सावंत को खास तौर से सेठ गोपाल दास की निगरानी के लिए भेज दिया जाए। यह धर्मपाल का ऑर्डर है 5 लाख का। लेकिन उनका ऑर्डर तो 10 लाख का है। सुनीता, मेरे साथ कदम कदम पर धोखा हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा खतरा मोल लेना नहीं चाहता।
नमस्ते सेठ जी। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या हो रहा है? खैरियत तो है? ओह यस, आज जरा पुलिस की तरफ से स्पेशल चेकिंग का इंतजाम किया गया है। किस सिलसिले में? आप तो जानते हैं सेठ जी, शहर में स्मगलिंग का जोर कितना बढ़ गया है। लेकिन जिस तरह आप लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, इससे लगता है कि हालात बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर, मैं चलूं? आई एम सॉरी सर, आज हर गाड़ी चेक करने का ऑर्डर है, चाहे वो किसी की भी हो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, सेठ जी की गाड़ी में क्या मिलने वाला है? वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कानून तो बहरहाल कानून है। एक्सक्यूज मी, जरा डिक्की की चाबी दीजिएगा। सुनीता, इस बॉक्स में क्या है मैडम? इस बॉक्स में सेठ जी, इस बॉक्स में क्या है? बॉक्स में वो बॉक्स तो खाली है। खाली है? खाली तो होगा ही। थैंक यू सर जी, बस ये कार्ड है। ट्रेडमार्क किसी नई कंपनी का लगता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, सेठ जी ने एक नई फैक्ट्री खोलने का इरादा किया है। ट्रेडमार्क तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद इंस्पेक्टर, मैं चलूं? हाँ जरूर, सॉरी फॉर द ट्रबल। कोई बात नहीं। धोखा, पैसा ले लिया, माल नहीं दिया। हाँ गोपाल दास सेठ, तमे एकदम भरोसे वाला मानस नथी। तमे मारा पैसा वापस करी आपो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा लफड़ा थई जाए। हमको अपना पैसा मांगता। हाँ शेख साहब, आप गलत समझ रहे हैं, आप सबका पैसा मिल जाएगा, मुझे सिर्फ दो दिन की मोहलत चाहिए। दो दिन की क्या गारंटी? हाँ, हाँ। गारंटी छे? सिर्फ भरोसा, जो आज तक आप लोग करते आए हैं। ठीक है ठीक है, चलो 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 ठीक है। नहीं, तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम लोग समझते क्यों नहीं, कहां से दूं मैं तुम्हें? मुझे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, मैंने कारोबार बंद कर दिया। लेकिन नुकसान के जिम्मेदार हम नहीं है। शाखा, सेठ जी ने अच्छे वक्त में तुम सबका साथ दिया है, तुम्हारा फर्ज है कि बुरे वक्त में उनका साथ दो। तो चुप रहो वरना 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 बहुत बुरा होगा। अच्छा आपस में झगड़ा करने से हिसाब नहीं मिलेगा। तुम्हें हिसाब लेना है, मुझे भी लेना है, तो फिर उसे जाने क्यों दिया? क्योंकि किसी की जान लेने से हिसाब नहीं मिलेगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं उससे हिसाब जरूर दूंगा, तुम्हारा भी और अपना भी। बस इसी तरह चोटे देते जाओ ताकि वो खुद मरने के लिए मजबूर हो जाए। मजबूर तो आज ही हो जाता बाबा, मुझसे जरा सी भूल हो गई। आज नहीं, कल सही, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? बाबा सुनीता को भी अपने साथ मिलाना होगा। तुम्हें भरोसा है वो हमारा साथ देगी? मुझे यकीन है। लेकिन मुझे उस कबूतरी पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तुम पागल हो, मैं भी आता हूं। तुम क्यों? मुझे जिंदा देखकर तकलीफ हुई। ये तुम क्या कह रहे हो रमेश? जो सच है, कहां गया तुम्हारा वो प्यार, वो हमदर्दी, जब जरा से खतरे में जाने के लिए मुझे रोकती थी, और आज मौत के मुंह में छोड़कर भाग गई। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है,
मैंने मना किया था सेठ जी से। सेठ जी का भागना जरूरी था? बिल्कुल नहीं था। तुम उनके सबसे वफादार साथी हो, उन्हीं की वजह से तुमने अपनी जान खतरे में डाली थी। लेकिन मेरे लिए सेठ जी की जान ज्यादा जरूरी है। मेरे होते हुए कोई उनकी जान नहीं ले सकता। मुझे उनके बर्ताव से तकलीफ पहुंची। और मुझे तुम्हारे बर्ताव से। तो लो, मुझे जान से मार दो। मैं तुम्हारी जान का दुश्मन नहीं हूं। फिर माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। आइंदा किसने देखा है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, और जो कुछ होगा उसका ख्याल रखना। जरूर, मैं वादा करती हूँ। शंकर की गद्दार औलाद, मुझसे टकराने का अंजाम देख लिया? सेठ गोपाल दास, मैं शंकर का बेटा नहीं, मैं इंस्पेक्टर सावन। फौरन रमेश को खबर कर दो। जी हाँ। अब अपने खोदे हुए कुएं में खुद ही गिर जाएगा। हेलो। हेलो रमेश, सुनो, सेठ जी ने। क्या कह रही हो, सच? अच्छा अच्छा रमेश, किसका फोन था? सेठ जी का। कोई खास बात? अभी तो नहीं, शायद हो जाए। क्या मतलब? मैं भी आता हूं।
हुआ सेठ जी? अच्छा रमेश तुम आ गए, वो अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। चलो बैठो। देखो रमेश ऐसा करो, आज रात कुछ काम तो है नहीं, तुम फार्म हाउस चले जाओ, मैं रात को ही रहूंगा। आपने रमेश के सामने ऐसा क्यों कहा? क्या सोचेगा वो? सुनीता डार्लिंग घबराओ मत, मैं किसी को कभी कुछ सोचने का मौका नहीं देता। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं गोपाल दास बोल रहा हूं। जी हां सेठ गोपाल दास। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, माफ कीजिएगा मैंने आपको तकलीफ दी। दरअसल बात यह है कि मेरा नौकर जो था रमेश, वो तो दिन से गायब था। जी नहीं, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जी हाँ मुझे भी कुछ गड़बड़ लगती है, वो मेरी कार भी ले गया है। जी कार नंबर है MRJ 8363। यस कहाँ का रहने वाला है, बाप का नाम? जी ये सब मैं नहीं जानता। जी हाँ हुलिया बता सकता हूँ, मैं समझता हूँ उसका रंग साफ है, 6 फीट के करीब उसकी हाइट है, शरीर घटा हुआ है और चेहरे पर मूछें हैं। जी हाँ मेहरबानी, लेकिन सर जल्दी कीजिएगा प्लीज, जहाँ तक हो उसकी तलाश जल्दी हो जानी चाहिए। धन्यवाद। रमेश तो अभी आपके साथ था। मुझे इससे कब इनकार है? फिर आपने झूठी कंप्लेंट क्यों दी? ये तुम्हारे समझने की बात नहीं डार्लिंग। लेकिन रमेश ने आखिर आपका बिगाड़ा क्या है? वो तो कितना वफादार है। अब उसकी वफादारी मेरे लिए बेफायदा हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिस्म के किसी हिस्से से फायदा न पहुंचे तो उसे काट दिया जाए? बेशक अगर बाकी जिस्म को फायदा पहुंचने का यकीन हो तो उस हिस्से को जरूर काट देना चाहिए। आप तो अजीब बातें कर रहे हैं। ये सारी अजीब बातें तुम्हारे सामने हो रही हैं सुनीता, कितना नुकसान हुआ है मेरा, कर्जों के बोझ से दब गया हूं, कल लोगों को रुपया चुकाने का वादा भी किया है। मुझे भी यही फिक्र है, आप पैसे कहां से देंगे? तुम इसकी फिक्र मत करो डार्लिंग, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। फिर? मेरे पास इतना पैसा है कि तुम मैं और पप्पू आराम से जिंदगी बसर कर सकते हैं, और अगर चाहें तो नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहां नहीं। फिर कहां? डार्लिंग इस मुल्क में हमारे चंद आखिरी घंटे बाकी हैं, रात को 3 बजे के हवाई जहाज से हम लोग लंदन रवाना हो जाएंगे। लंदन? हाँ डार्लिंग मैंने सब तैयारियां कर ली हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं सुनीता, तुम जानती हो कदम कदम पर मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता सुनीता, और इसके अलावा मेरा पाहज बच्चा आज तक माँ के प्यार को तरसता रहा, उसे तुम माँ का प्यार दोगी? आप मेरी बात नहीं सुनीता, यह मेरा आखिरी फैसला है और मेरे इस फैसले से तुम इनकार नहीं करोगी, ये मेरी जिंदगी मेरी इज्जत का सवाल है, यकीन रखो सुनीता इसके बाद मैं तुमसे जिंदगी में कुछ नहीं मांगूंगा, कोई तकलीफ नहीं दूंगा। सुनीता डालिन क्यों ना इस रात को हम यादगार बना लें? आज दो रास्ते हमेशा के लिए एक हो रहे हैं, इसलिए आज हर चीज एक होनी चाहिए। कम ऑन डार्लिंग, हाँ।
हमेशा की तरह अपने होठों की मिठास इसमें खोल दो। पियो ना। क्या बात है सुनीता डार्लिंग? मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। एक घूंट पी लो डार्लिंग, सब समझ में आ जाएगा। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। बी ए गुड गर्ल। शाबाश। जहर था डार्लिंग। सिर्फ जहर। क्यों, क्या क्या खता की थी मैंने? तुम रमेश की बहुत हमदर्द हो ना? लेकिन मैं। चुप बेवकूफ लड़की, तो जैसी औरत को मैं विश्वास के काबिल नहीं समझता। चल हट। तू कमीना है, जलील है। कमीने, जलील। मैं अक्लमंद हूँ, अपने अलावा किसी में भरोसा नहीं करता। तू समझती थी कि मैं अपने कारनामों का कोई राज कोई सबूत छोड़ जाऊंगा? भगवान, भगवान तुझे इस चीज का बदला जरूर देगा। पापी कुत्ते, तूने मुझ पे कसूर को पाला है। तूने बोलने से तकलीफ ज्यादा होगी डार्लिंग, जो मुझसे देखी नहीं जाएगी। रमेश, 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 जिसे तू याद कर रही है ना, वो तेरी चिता जलाने भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तेरी चिता जल रही होगी उस वक्त वो हवालात की सलाखें गिन रहा होगा। और मैं लंदन के किसी शानदार होटल में ऐशो आराम की शाम बसर कर रहा हूंगा। गुड बाय डार्लिंग, गुड बाय। तड़पोर मर जा। इंस्पेक्टर साहब, ये टेप रिकॉर्डर अपने पास रखिए, इसमें बहुत कुछ होगा। मैं भी आता हूं। मिस्टर रमेश प्लीज इंस्पेक्टर, नहीं तो बदमाश भाग जाएगा। लेट हिम गो। ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर। बाबा हाँ? पप्पू कहाँ है? अपने कमरे में होगा। अच्छा, वो उसे भी अपने साथ ले जा रहे हैं। क्या? मेरा मतलब था मेरे हिसाब का क्या होगा सेठ जी? कौन सा हिसाब? वो तो मुझसे ज्यादा आपको मालूम है। ठीक है, फिर कभी बात करेंगे। फिर बात करने के लिए मैं लंदन कैसे आऊंगा? तुम्हें कैसे मालूम? मुझे जो मालूम है वो किसी को नहीं मालूम सेठ गोपाल दास। कौन हो तुम? अब भी नहीं पहचाना? वाकई बहुत मासूम हो शेरू। तुम शंकर, तुम्हारा दोस्त। कमीने धोखेबाज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी, तू भी इसका साथ दे रही है? हाँ शेरू। मैं तेरा कड़ा घोटूंगा। रमेश तू? शेरू, शंकर का बेटा हूं मैं, शंकर का बेटा। पहले तुझसे अपने बाप की बर्बादी का बदला लूंगा, अब फिर अपनी। आ, 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 आ,
क्या सेठ गोपाल दास? लेकिन तूने कब मुझ पर रहम किया था? मैं भगवान का रास्ता रमेश, मेरे बच्चे को बचा लो। शेरू, सिक्का हमेशा तेरी किस्मत बदलता आया है, आज भी सिक्का उछलेगा। नहीं नहीं रमेश, नहीं। बोल, सान्य मूरत। डैडी, डैडी। बोल, बोल को क्यों नहीं है? सन्या मूरत, बोल, बोल, बोल। नहीं शेरू, नहीं, आज सिक्का भी तेरा साथ नहीं दे रहा है। बाबा, बाबा, बचा, मैं क्या करूँ? मेरा पप्पू, मेरा पप्पू, मेरे बच्चे। डैडी तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? मुझे कुछ नहीं हुआ बेटे, किसने नहीं मारा। तू रो मत, तू रो मत मेरे बच्चे। बाहर कर लो। अरे शेरू, शेरू ये तुमने क्या किया? शंकर, शंकर मेरे पाप बहुत बड़े हैं, इतने बड़े कि कानून में इसके लिए कोई सजा नहीं हो सकती। लेकिन मैंने ये नहीं चाहा था शेरू। जानता हूँ शंकर। डैडी। शंकर, मैं खुद तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। अपना बेटा समझो। हाँ शेरू, बेटा समझो। डैडी। शंकर, शेरू, शंकर, तो पैदा करो पू को, भाई की तरह। भाई की तरह नहीं, मैं भाई समझ। शेरू, डैडी, तुमको क्या हो गया? डैडी, 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 डैडी। Thank you.